लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में संयुक्त किसान मोर्चा, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदर्शन करने वाले संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और घायलों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के प्रबल प्रताप शाही ने कहा, लोगों के लिए कम से कम कुछ अपने प्रशासनिक चीजों में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोगों का मान है कि ईमानदारी से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बना देंगे बनाएगा तो उसे मैं ठीक कर दूंगा। किसानों ने वहाँ के हेलीपैड वहाँ चल रहा है, खीरी लखीमपुर जाने वाले सभी रास्तों को सरकार ने पैक कर दिया है, कांड किया गया है, वहाँ किसानों में आज प्रदर्शन कर रहा है। हम लोगों को जैसा निर्देश होगा ऐसा नहीं, हम कमजोर अधिकारी जान ले। अगर हमें सही अजय मिश्रा चलिए अभी पता ये हमारा खुशवा दीजिएगा, ठीक है। आपसे आग्रह ये कर लूँ कि आप सब लोग किसान के पुत्र हैं, क्रॉस द टेबल आप है, क्रॉस द टेबल ऐसे ही। राममूर्ति केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन के संयोजक, इसमें सारे घटक दल जो संयुक्त किसान मोर्चा, प्रबल प्रताप शाही प्रवक्ता संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश एवं भारतीय किसान असली, आपका जो कल लखीमपुर में जघन्य घटना हुई है, जो घटना हुई है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने गाड़ी चढ़ाकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों को मारा रौंद दिया है, उसके खिलाफ हम इस हत्यारी जो सरकार है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय गृह मंत्री पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उनका उनका संविधान में कोई भी उनका निष्ठा नहीं है, क्योंकि वो किसानों को धमकाते हुए कुछ दिन पहले उनका वीडियो आया। दूसरी चीज, उनके जो बेटे हैं उनके ऊपर 302 की धारा हत्या की तमाम धाराओं के अंतर्गत केस निरुद्ध किया जाए और उनको तत्काल रूप से और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए और जितने मृतक किसान हैं उनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और साथ साथ सरकारी नौकरी प्रदान की जाए और साथ साथ 3 काले कानूनों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और MSP गारंटी कानून दिया जाए।